तो भाई आप सुनकर शॉक हो जाओगे कि कोडी रोड्स ने हमारे रोमन रेंस का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे वो 1316 दिनों वाला नहीं है ये, वो तो भाई कोडी रोड्स अपने सपने में भी नहीं तोड़ पाएंगे। तो ये रिकॉर्ड है पहली बार अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के मैच में, जो की बैकलैश में हुआ था कोडी रोड्स वर्सेज एजे स्टाइल्स के बीच। तो उस मैच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हुई, कोई भी रिटर्न नहीं हुआ था, मतलब के किसी तरह की कोई बसड़ नहीं मची थी इस मैच के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो भाई रोमन रेंस ने 17 जून 2022 को अपनी टाइटल को लास्ट बार डिफेंड किया था 1v1 मैच के अंदर, और जिसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हुई थी। आई थिंक वो मैच मेरे ख्याल से रिडल के साथ हुआ था। तो ये एक लल्लू सा रिकॉर्ड जो है वो लल्लू से बंदे के नाम हो चुका है। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? इसी के साथ डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली को लेकर एक गुड न्यूज निकल कर आई है, एंड साथ ही साथ रोमन रेंस की एक बहुत बड़ी बात रिवील हुई है। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो स्वागत है आपका रेसल मस्ती के एपिसोड नंबर 80 में। तो जो भी नए बंदे आए हैं चैनल पर, फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले, आई मीन इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो सबसे पहले बात करते हैं कल के स्मैकडाउन के बारे में। तो कल WWE ने कोडी रोड्स वर्सेस लोगर पॉल का जो मैच है उसको ऑफिशियल कर दिया है सऊदी अरेबिया के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, और इस मैच को WWE ने चैंपियन वर्सेस चैंपियन का नाम दिया है। तो फैंस अब इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज है, क्या ये मैच एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच है, मतलब कि दोनों चैंपियनशिप ही ऑन द लाइन होगी इस मैच के अंदर या फिर नहीं। तो भाई देखो, मेरे ख्याल से लगता है कि यहाँ पर WWE एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच ही करवाने वाली है, मतलब के जो भी बंदा जीतेगा उसके पास दोनों टाइटल चली जाएंगी एंड वो बन जाएगा डबल चैंपियन। जिस तरह से सेथ रॉलिंस वर्सेस जॉन सीना का एक बार मैच हुआ था WWE चैंपियनशिप और यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए, तो सेम वही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर WWE ने अप्लाई किया है। क्योंकि भाई यार आप खुद देखो, अगर ये मैच एक सिंपल सा मैच हो जाएगा तो भाई इस मैच के अंदर मजा ही नहीं आएगा। और भाई आप ये मत भूलो कि ये सऊदी का शो है, यहाँ पर कोई लल्लू मल्लू से तो मैच बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर फाइनली जो कोडी रोड्स है वो डबल चैंपियन बनने वाले हैं बहुत जल्दी। तो कोडी रोड्स के फैन तो भाई लड्डू बांटने की तैयारी कर लो, आपको डबल चैंपियन मिलने वाला है 2 वीक्स के बाद कोडी रोड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीन एम्ब्रोस जॉन मॉक्सली के बारे में। तो WWE ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डीन एम्ब्रोस वर्सेस रोमन रेंस के फुल मैच की वीडियो डाली है, और भाई मैं ये देखकर काफी ज्यादा शौक हूँ कि भाई WWE ने डीन एम्ब्रोस का नाम यूज किया है। यूजुअली क्या होता है कि जब कोई सुपरस्टार किसी दूसरी प्रमोशन में चला जाता है तो WWE अवॉइड करती है उसके नाम को यूज करने से। और लास्ट ईयर आपने देखा ही होगा कि जब WWE शील्ड की मूवमेंट्स को शेयर करती थी तो यहाँ पर भाई सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस को ही दिखाया जाता था, डीन एम्ब्रोस को मेंशन तक नहीं किया जाता था। यहाँ पर दिखाना तो बहुत दूर की बात है। और भाई अभी आप ऐसा भी मत समझना कि भाई डीन एम्ब्रोस तो WWE के अंदर आने ही वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ पर ऐसा समझ सकते हो कि भाई अब हम उस एरा के अंदर एंटर हो चुके हैं जब WWE ऐसी बातों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करती कि हमारा जो पुराना सुपरस्टार है वो कौन सी कंपनी के अंदर है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपने देखी ही होगी जब स्टिंग का रिटायरमेंट मैच हुआ था AEW के अंदर, तो WWE ने भी उस टाइम पर काफी सारा ट्रिब्यूट्स दिए थे स्टिंग को। बस आप इसको एक पॉजिटिव साइन मान सकते हो कि भाई WWE और जॉन मॉक्सली के बीच सब कुछ ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी 2026 के राउंड डीन एम्ब्रोस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होगा, देन उसके बाद हम देखते हैं क्या डीन एम्ब्रोस से रिटर्न आते हैं WWE के अंदर या फिर नहीं। बाकी आप मुझे जरूर बताना कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है, क्या डीन एम्ब्रोस WWE के अंदर वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अब बात करते हैं आज की लास्ट एंड फाइनल अपडेट की। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से एक बात रिवील हुई है रोमन रेंस के बारे में कि रेसलमेनिया 39 में रोमन रेंस एंड पॉल हेमन दोनों ने कन्विंस किया था ट्रिपल एच एंड विंस मैकमैन को कि इस मैच के फिनिश को चेंज करो, मतलब कि रेसलमेनिया 39 में भाई एक्चुअली कोडी रोड्स जीतने वाले थे एंड ये रोमन रेंस एंड पॉल हेमन की वजह से जो डिसीजन है उसको चेंज कर रोमन रेंस के फेवर में करना पड़ा था। और इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर पॉल हेमन एंड रोमन रेंस को बिलीव था कि इससे उसोस एंड साथ ही साथ सोलो सिको को काफी ज्यादा फायदा होगा कि वो WWE के अंदर फैंस में काफी ज्यादा ओवर हो जाएंगे, जो कि एक्चुअल में वो हो भी चुके हैं, एंड कोडी रोड्स भी काफी बड़ा स्टार बन जाएगा अगले एक साल तक, जो कि भाई वो बन भी चुका है अभी करंट टाइम में। तो देख लो भाई, हमारे ट्राइबल चीफ का दिल मतलब इतना सोचते हैं वो बाकी सुपरस्टार्स के बारे में भी। अब शायद आप ये सुनकर रोमन रेंस को पसंद भी करने लगो कि भाई हमारा जो ट्राइबल चीफ है वो नंबर 1 ही रहेगा हमेशा। बाकी इस बात पर सभी लोग कमेंट्स के अंदर एक्नॉलेज करना अपने ट्राइबल चीफ को, एंड वी वांट रोमन जरूर लिख देना एक बार। बाकी अगर आप मेरे से पर्सनली चैट में बात करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।